तो आज जानते हैं हम 2024 में पैसे बचाने के तरीके। 2024 में आप कैसे पैसे बचा सकते हैं, ये तो आज का जो वीडियो है वो है जो सैलरी वाले लोग हैं उनके लिए है। तो हम लोग जैसे सैलरी वाले हैं तो हम लोग का जो भी जीवन है वो पेमेंट के ऊपर है। पेमेंट है तो सब कुछ है, पेमेंट नहीं है तो कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारा बिजनेस तो है नहीं कुछ भी। कि बिजनेस है तो आपका रोज़ पेमेंट आएगा और रोज़ पैसा आएगा, तो आप अपने हिसाब से खर्च कर सकते हैं। और हम लोग जो हैं, हम लोग के पास रोज़ पैसा नहीं आता, हमको महीने में एक बार पैसा मिलता है। तो वो पैसा हमको कैसे कहाँ खर्च करना है और कब कैसे खर्च करना है, तो वो आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। और आप लोग मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा और कैसा लगा कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। नहीं भी अच्छा लगा तो भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट है, देखिए फर्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, अगर अच्छा लगा हो तो बताइएगा। फर्स्ट पॉइंट है, देखिए जैसे आपके अकाउंट में आपकी सैलरी क्रेडिट होती है तो वो आप कंपनियों के ऊपर डिपेंड होता है। बहुत लोग का मंथ एंड में ही आ जाता है, बहुत लोग का 1 तारीख को आता है, बहुत लोग का और बीच में कब, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड रहता है कि उनका पेमेंट कब और किस तारीख को आता है। तो आपने पेमेंट को 3 भागों में डिवाइड कर लिया, 3 भाग, और जो हमारा आधा हिस्सा होता है वो हमको एक साइड, हमने एक 50 में किया है, एक 30 में किया है, 20 में किया है। तो हमने 3 भागों में पैसा अपना डिवाइड कर लिया है। तो जो 50 वाला है तो उसमें क्या क्या आता है, हमारा घर का EMI हो गया, गाड़ी का EMI हो गया, और अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आपका रेंट हो गया। तो अगर आप रेंट रहें चाहे घर का EMI भरें, एक ही है, और रेंट पे रहते हैं तो ये होता है आप खाली रेंट भर दिया, आप टेंशन फ्री हो गए। और EMI अगर आपका है तो ठीक है, कुछ दिन आपका EMI कटेगा, उसके जब आपका EMI क्लियर हो जाएगा तो वो घर आपका हो जाएगा। तो एक साथ तो हम इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते हैं कि हम इतना बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर लें, क्योंकि हम लोग एक सैलरी वाले लोग हैं कि हम घर खरीद के और इतना पैसा इकट्ठा करके और घर खरीद लें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हाँ होगा, बहुत लोग के सब बिजनेसमैन जो लोग हैं उनके लिए हम लोग तो लोन पे ही घर से खरीद सकते हैं। तो हमारे EMI कटता है, तो हमारा जो EMI है, आज नहीं कल तो वो पूरा हो जाएगा, तो हमारा हो ही जाएगा। तो EMI भी बहुत अच्छी चीज, मतलब जो सरकार ने हमारे लिए एक सुविधा निकाली है कि हम खुद का घर लेके रह सकते हैं, तो ये जो लोग सपना देखते हैं वो सपना पूरा हो जाता है। तो जो हमारा घर का EMI है, गाड़ी का EMI है, तो वो हमारा 50% में, तो हमारा आधा से ज़्यादा पेमेंट तो इसी में चला जाता है। तो 50% तो हमारा चला गया, बचा हमारा 30%। 30% में हमको क्या करना है, जैसे आपका घूमना, टहलना, शॉपिंग करना, खाना पीना, राशन पानी, और जो जो आपका ये सब चीज़ें हैं और जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं ये सब कर लीजिए। और बचा 20%, उसको आप किसी भी हालत में कैसे भी करके उसको अकाउंट में आप सेविंग कर ही दीजिए। उसको आपको कैसे भी करके अकाउंट में सेविंग करना ही करना है, क्योंकि अगर आप सेविंग नहीं करेंगे तो कब क्या मुसीबत आ जाए कोई नहीं जानता है, और ये सच बात है। हमने बहुत कुछ झेला है दोस्तों, तो इसलिए आज मैं ये वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताने जा रही हूँ कि कैसे, और मैं ऐसा ही करती हूँ। तो जो मैं करती हूँ मैं अपना अनुभव आप लोग को बता रही हूँ, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जो मेरा अनुभव है मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ कि मैं कैसे सेविंग करती हूँ। मैं ऐसे ही सेविंग करती हूँ, तो मेरा जो 20% बचता है उसमें से उसको मैं खर्च नहीं करती हूँ, उसको मैं सेविंग करके रख देती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए उसको मुझे सेविंग करना ही करना है। तो अब आप नंबर टू में हमको क्या करना है, देखिए जैसे आपका अगर इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, तो वो तो साल साल में एक बार होता ही है, सबका ही होता है, एक साल में एक बार इंक्रीमेंट होना तो तय है, होता ही है, तो हमारा भी होता है। तो जो इंक्रीमेंट का पैसा है या अगर आप ओवर टाइम करते हैं उसका पैसा है, तो वो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, वो आपके पेमेंट से अलग है, वो आपके पेमेंट में नहीं आ रहा है। जो ओवर टाइम करेंगे वो आपके पेमेंट से अलग आपको पैसा मिल रहा है, तो वो पैसा आप क्या करिए, एक साइड में रखते जाइए रखते जाइए। अभी पूरा वीडियो देखिएगा, अभी वीडियो एंड नहीं हुआ है, तो आप वो पैसा साइड में रखते जाइए। ओवर टाइम का पैसा हो गया, आपका इंक्रीमेंट का पैसा हो गया, तो इंक्रीमेंट जब होगा आपका एक साल में एक बार ही होगा, लेकिन जो इंक्रीमेंट का पैसा आएगा वो हर महीने महीने आपके पास में आएगा, तो वो पैसा आप साइड में रखते रहिए। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि जो हमने यहाँ पे 50, 30, 20 किया था, तो अभी हम अगर ये पैसा आपको अगर बहुत ज़रूरत है तो अगर आपको खर्चा करना है तो आप क्या करिए, 50% आप सेविंग कर लीजिए,
और 30-20 जो बचा है वो आप अपना खर्चा कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो खर्चा है वो कम हो जाएगा और सेविंग जो है वो आपकी ज़्यादा हो जाएगी। तो आपको जो सेविंग होती है वो भविष्य की कमाई होती है। तो ये हमको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने इतना अनुभव ले लिया है अपनी ज़िंदगी में। ज़्यादा तो ज़िंदगी नहीं हुई है मेरी, इतनी भी ज़िंदगी नहीं जी ली हूँ, लेकिन जितना भी जी हूँ उसमें और जितनी मेरी उम्र है उतने उम्र में बहुत कुछ चढ़ाव उतार देख लिया है मैंने अपनी ज़िंदगी में। तो उस मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ कि सेविंग क्या होता है, और सेविंग सबको करना चाहिए। चाहे आप 10,000 कमा रहे हों, चाहे 10 लाख कमा रहे हों, चाहे 1 लाख, चाहे 15,000, चाहे 2,000, आप जितना आप कमा रहे हैं उतने में ही आप थोड़ा 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 करके, नहीं आप महीने का 10-15 हज़ार बचा रहे हैं या 2,000-3,000 बचा रहे हैं, कम से कम 500 तो बचा सकते हैं, 1,000 बचा सकते हैं। जो आपका एक पेमेंट में से, मैं बता रही हूँ, पेमेंट में से आपने इतना बचा लिया और आपका जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है ओवर टाइम का पैसा हो गया, और अगर मान लीजिए अगर आप ओवर टाइम नहीं करते, ठीक है, तो आपका पैसा नहीं आता, नहीं आता तो आप खर्च नहीं करते। अगर आपका ओवर टाइम का पैसा अगर आपके पास आ रहा है तो वो एक्स्ट्रा पैसा हो गया, तो उसको आप उठा के सेविंग कर दीजिए। समझ लीजिए कि हमने काम ही नहीं किया है और वो पैसा हमको नहीं मिला है। तो इस यही सबसे अच्छा तरीका है हमको सेविंग करने का, और मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं अपना अनुभव बता रही हूँ आप लोग को, कैसा लगा आप लोग बताइएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर 3। नंबर 3 क्या है? 24 घंटा। आज मैं बताने जा रही हूँ आप लोग को 24 घंटा आप अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। 24 घंटा आप कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए, 24 घंटा अगर आप कहीं भी मॉल में जाते हैं या आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आप मोबाइल सबके हाथ में रहता ही है, एनी टाइम रहता है। मैं बहुत लोगों को सुनती हूँ, मैं बहुत लोग को अपने ऑफिस में भी देखती हूँ, सब लोग दिन भर कोई अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, मिंत्रा पे और बहुत सारे ऐप हैं, ऐसे ऐसे सब देखते रहते, ये पसंद आ गया ये ऑर्डर कर, अरे सस्ता है, 250 का ही तो है, ऑर्डर कर देते। 300 का ही तो है, अरे ऑर्डर कर देते। अरे 100 रुपये का ही तो है, ऑर्डर कर देते। अगर 500 का ही तो है यार, ऑर्डर कर देते हैं, कौन सा महंगाई, इतने में क्या हमारी ज़िंदगी चली जाएगी। तो मैंने देखा है तो सब लोग ऐसे कर करके ऑर्डर कर देते हैं। तो इतना ही आप जोड़ लीजिए, इतना सामान कितना हो गया, कम से कम 1,000-1,200 का हो गया सामान आपका। तो 1,000-1,200 तो आपके कम हो गए, तो आपने जो सेविंग की थी वो तो आपकी चली गई, नहीं ज़्यादा 1,500 तो चला गया, उसमें से कम हो गया, बढ़ा तो नहीं ना। तो इसलिए 24 घंटा आप थोड़ा कंट्रोल करके देखिए, अपने मन पे थोड़ा संभालिए, देखिए क्या ये चीज़ की हमें ज़रूरत है, हमें लेना है। अगर इसके बिना अगर हमारा काम चल सकता है तो हम इसको चला लेते हैं, अगर नहीं चल सकता है, बहुत ज़रूरत है तो ही हम लेंगे, अगर ज़रूरत नहीं है हमें तो जाने देते हैं। मैं तो ऐसा ही करती हूँ, मैं देखती सब कुछ शॉपिंग करती रहती हूँ, जबकि मैं खुद उस फील्ड में काम करती हूँ, तो मैं लाइव ही देखती रहती हूँ सब चीज़। बहुत ऐसी ऐसी चीज़ रहती है वहाँ पे कि देख के बहुत मन करता है कि ये चीज़ मैं जाके अभी ऑर्डर कर दूँगी, लेकिन फिर मैं आती हूँ घर, नहीं यार इसके बिना मेरा काम चल जाएगा, ये पैसा बचा रहेगा तो कल के लिए मेरे बच्चों के फीस के लिए काम आएगा, या मेरे बच्चों के लिए ये चीज़ मैं ख़रीदूँगी, या कल मुझे इस चीज़ की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर अगर कोई ज़रूरत पे अगर नहीं ये चीज़ अगर मेरी पूरी हुई तो मेरे बच्चे को कौन देखेगा? हमारे सिवा तो कोई है नहीं हमारे बच्चों को देखने के लिए कि चलो ठीक है, अगर आज हम नहीं देख रहे तो हमारे बच्चों को के लिए कोई है और कोई हेल्प कर देगा? कोई नहीं करने वाला, जो हैं वो हम ही हैं। हम बचाएंगे तो भी हम अपने बच्चों के लिए बचाएंगे, उड़ाएंगे तो भी उड़ाने के लिए देखिए कोई लिमिट नहीं है, आप जितना खर्चा करिए उससे डबल तिबल आप उड़ा दीजिए, कोई पता भी नहीं चलेगा आपने कहाँ उड़ा दिया और कैसे उड़ा दिया। तो नंबर 3 ये था, अब मिलते हैं नंबर 4 पे, और लास्ट है नंबर 4, वो मेरा सबसे फेवरेट है, और सबसे फेवरेट है मेरा नंबर 4। नंबर 4 में क्या है कि देखिए, आप सोचते हैं कि मैं वीकली, एक वीक में बहुत लोग फास्ट करते हैं, मैं भी करती हूँ, मैं गुरुवार फास्ट करती थी, अभी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है इसके वजह से नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि दवा वगैरह खाना रहता है मुझे, इसके वजह से नहीं कर रही थी मैं, तो बीच में मैंने छोड़ दिया था। अभी फिर से सोच रही हूँ स्टार्ट करने के लिए, देखती हूँ कब से करूँगी, जब भगवान की कृपा हो जाएगी तब मैं कर लूँगी। तो अभी नंबर 4 में क्या आता है कि जो हमारी सेविंग है, ठीक है, उसको हमको एक दिन के लिए उसको भी उपवास करवा देना चाहिए, उसको भी हमको एक दिन के लिए उसको भी बोल दो व्रत रख दो भैया तुम भी आज,
क्योंकि देखिए आप रोज़ रोज़ खर्चा करते, एक दिन खाली अगर खर्चा नहीं करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना फ़र्क पड़ रहा है हमारे ऊपर। तो देखिए अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, या बहुत दूध है, बच्चों की ज़रूरत है, और सब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमको रोज़ की ज़रूरतें होती हैं वो हम नहीं डाल सकते, तो उसको क्या करें आप एक दिन पहले ही ला के रख लें। तो और जो लाए हैं तो उसमें से एडजस्ट कर करके ऐसा करिए कि नेक्स्ट डे हमको पैसा खर्चा ना करना पड़े। तो ये रूल्स मैंने अभी नहीं किया था, लेकिन मैं इस महीने से ये भी करूँगी। और मैंने एक हफ्ते में ये किया है तो मुझे थोड़ा कुछ फ़र्क पता चला है, क्योंकि जो इतना ज़्यादा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका, जो भी रोज़ का एक दिन का है, मैं तो हफ्ते में सोच रही हूँ एक दिन करने के लिए। आप लोग महीने में एक दिन करके देखिए, अगर फ़र्क पड़ेगा तो कमेंट करके बताइएगा। मेरा जो एक दिन का मेरा पेमेंट था, मैंने एक पिग्गी बैंक खरीद के रखा है, तो वो मुझे मेरे भैया हैं उन्होंने मुझे एक दिया था, मैंने मंगवाया था क्योंकि यहाँ मिल नहीं रहा था, तो हस्बैंड गए थे तो भैया जी ने मुझे दिया था, और मैं उसमें जो भी मेरा सेविंग का पैसा बचता है मैं उसमें उठा के डाल देती हूँ। मेरा जो भी एक्स्ट्रा मेरा पैसा वगैरह आता है, जैसे मेरे बोनस हो गया, या मेरा अभी मुझे दो बार बोनस मिला था, मेरा दोनों बार का बोनस हो गया, और मेरा ओवर टाइम का पैसा हो गया, या मेरा एक्स्ट्रा जितनी भी मेरी एक्स्ट्रा पेमेंट आती है, हस्बैंड की नहीं मैं छूती हूँ, जो मेरी एक्स्ट्रा पेमेंट आती है वो मैं सारा उठा के उसमें डाल देती हूँ। तो आपको एक पिग्गी बैंक गुल्लक, तो हम लोग गुल्लक बोलते हैं, तो गुल्लक आप लेके एक रखिए, क्योंकि गुल्लक ना बच्चों के को भी ये चीज़ का एहसास होता है कि इसमें हम ये पैसा डालें। मेरा बेटा ही कम से कम नहीं तो 4,000 रुपये इकट्ठा किया था अपने गुल्लक में, और 4,000 इकट्ठा किया था लेके झगड़ा करके किया था, और किस लालच में वो बचा था कि मुझे बैट लेना है। तो वो पैसा मैंने उसका, जब जैसे वो गुल्लक तोड़ा तो मेरा भाई आया था तो उसने इसको बैट दिला दिया, तो वो पैसा मैंने उठा के, वो गुल्लक तो तोड़ दिया था, वो पैसा उठा के मैंने उसमें डाल दिया। तो ऐसे ऐसे करके सेविंग करना है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ और नेक्स्ट जानकारी के साथ कि नेक्स्ट आप सेविंग कैसे कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। और इसका पार्ट टू भी अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग वो भी देखिएगा, और ऐसे ही वीडियो आप लोग को सेविंग वाली अब मिलती रहेंगी। तो बाय बाय।